दोस्तों मेरे पास ओप्पो का F11 फ़ोन है जिसमें FRP लगा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम नेक्स्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक हमें एरर देखने को मिल रहा है। आपको इसमें सिम डालनी पड़ेगी तभी ये स्किप होगा, या आपको इसमें वाईफाई का कनेक्शन देना पड़ेगा तभी यहाँ पे स्किप होगा। जैसे देखिए हम स्किप करते हैं तो ये देखिए वाईफाई कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। जब तक आप इसमें वाईफाई कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये नेक्स्ट नहीं होगा। तो इसका जो FRP है हम इसका बाईपास करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो मॉडल नंबर है वो चेक कर लेते हैं, मॉडल नंबर क्या है। अब इमरजेंसी कॉलिंग में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे *#899# करेंगे। सॉफ्टवेयर वर्जन में क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे मॉडल नंबर दे सकते हैं CPH1969, और ये एंड्रॉयड 11 में चल रहा है, इसमें एंड्रॉयड 11 वर्जन है। तो सेम बैक जाते हैं, जो ओप्पो के जितने भी फ़ोन हैं इसमें FRP बाईपास करने के लिए कोड है। जो कोड हम डालते हैं FRP से रीसेट करने के बाद, जो हम इसमें FRP बाईपास करने के लिए कोड डालते हैं वो कोड इसमें काम नहीं कर रहे हैं। मैं एक बार आपको चेक करवा देता हूँ। इमरजेंसी कॉलिंग में क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम *#813# करते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें ये कोड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और हम दूसरा कोड भी डाल के देख सकते हैं *#812#। ये देखिए ये भी कोड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। जिन फ़ोनों पे एंड्रॉयड 11 का अपडेट है उसमें ये कोड बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं FRP बाईपास करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में जो इसका FRP बाईपास करेंगे काफ़ी आसान तरीके से। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे नेक्स्ट कर लेना है। जैसे हम वाईफाई कनेक्शन में आ जाते हैं, यहाँ पे आप यहाँ सिम डाल लीजिएगा, सिम जिसमें आपका नेट ऑन हो, या आप इसे वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं इसे वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ, पासवर्ड इसमें डाल लेता हूँ। ये देखिए जो फ़ोन मेरा है ये वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे स्किप का ऑप्शन था, वैसे ही नेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको चेक करवा देता हूँ इसमें FRP आया कि नहीं है। ये देखिए इसमें पिन मांग रहा है, जैसे हम इसे कट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं इसमें FRP का ऑप्शन हमें दिखेगा। ये आप देख सकते हैं, जब तक हम इसमें ईमेल नहीं डालेंगे तब तक ये नेक्स्ट बिल्कुल नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो स्किप का ऑप्शन है वो भी नहीं यहाँ पे है। तो हमें इसका FRP किस तरह बाईपास करना है, सबसे पहले हमें बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको वाईफाई कनेक्शन में आ जाना है, और यहाँ पे आपको ऐड नेटवर्क दिखेगा, यहाँ पे आपको ऐड नेटवर्क में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक माइक दिख रहा है, आपको माइक को क्लिक करना है। ये देखिए मैंने वन टाइम क्लिक किया तो यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ गया। अगर आपके वन टाइम में अलाउ का ऑप्शन नहीं आता तो आप इसे 3 बार प्रेस कीजिएगा। 3 बार प्रेस करने के बाद, जैसे आप फर्स्ट टाइम इसे प्रेस करेंगे उसके बाद आप डिनाई कर लीजिएगा, फिर उसके बाद सेकेंड बार इसे प्रेस कीजिएगा फिर डिनाई कर लीजिएगा, फिर उसके बाद फिर तीसरी बार आप करेंगे तो लास्ट में इसमें 3 ऑप्शन आएंगे। तीनों में आपको लास्ट वाले को ऑप्शन को क्लिक करते जाना है 3ों बार। उसके बाद ये आपका करोगे अलाउ का ऑप्शन आएगा तो आप इसे अलाउ में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपको यहाँ पे परमिशन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च में लिखना है सेटिंग SETTING, जैसे आप लिखोगे उसके बाद यहाँ पे आपको एक ये देखिए रीसेट सिस्टम रीसेट ओनली का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एरेज ऑल डाटा क्लिक यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको एरेज कर देना है इसको। हम उस चेक कर लेते हैं जो इसका FRP है वो बाईपास हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए फ़ोन जो हमारा बिल्कुल ऑन हो चुका है। उसके बाद हम इसे सेटअप कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे वाईफाई से हमने फ़ोन को कनेक्ट नहीं किया हुआ है,
उसके बाद हम यहाँ पे स्किप करके देखते हैं कि ये स्किप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे स्किप बिल्कुल हो रहा है। पहले क्या था कि जैसे हम इसे स्किप करते थे, बैक जाता हूँ मैं, जैसे हम यहाँ पे स्किप करते थे यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन आता कि आप वाईफाई से कनेक्ट कीजिएगा या आप सिम डालिएगा। आप देखिए बिल्कुल स्किप हो रहा है। स्किप के बाद हम इसे नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए जो हमारा फ़ोन है ये 100% बाईपास हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये देखिए हम इसका एक बार आपको मॉडल भी चेक करवा देते हैं। देख सकते हैं ओप्पो F11 प्रो और एंड्रॉयड 11 पे ये है, और कलर OS है वो भी एंड्रॉयड 11.1 पे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।